डैंड्रफ की प्रॉब्लम और ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। हाथ लगाते ही बालों में से डैंड्रफ गिरना स्टार्ट हो जाता है। डैंड्रफ के कारण हेयर थिनिंग भी स्टार्ट होती है और साथ साथ हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। आपको मैं आज सिर्फ दो ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगी जिससे कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइनेस को खत्म कर सकते हैं। पहली होम रेमेडी ये है कि आपको देसी घी लेना है। सुबह उठते ही बहुत तेज गर्म पानी में मिक्स करके ले लीजिए, या फिर आप रात को भी ले सकते हैं गर्म दूध के साथ। इससे क्या होगा कि आपकी जो इंटरनल ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी। सेकंड जो चीज है कि आप कैस्टर ऑयल और तिल का तेल दोनों को इक्वल अमाउंट में डाल के मिक्स करके उसको अपने स्कैल्प पे अच्छी तरह मसाज करें, 15-20 मिनट उसको रखें और फिर हेयर वॉश करें। ऐसा आप वीक में दो बार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक्सटर्नल ड्राइनेस है स्कैल्प की वो भी खत्म होगी और साथ साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। अगर आपको एज सच कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आप ये होम रेमेडीज नहीं कर पा रहे हैं तो आप लाइफ वेदा का हेयर केयर पैक ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास हेयर वाइटल्स कैप्सूल है, साथ में ओनियन भृंगराज ऑयल है। तो ये सारे ग्रोथ से लेके हेयर्स के सभी इश्यूज के लिए काफी इफेक्टिव है और साथ में आपके हेयर्स को ड्राइनेस से बचाने के लिए और हेयर थिनिंग या हेयर फॉल को बचाने के लिए ओनियन भृंगराज ऑयल है जो काफी इफेक्टिव है। अगर आपको ऐसा कोई भी इशू है तो जस्ट कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन डिटेल्स।